माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह 5 मिनट। थैंक यू। उपसभापति महोदय, बहुत सलीके से, बहुत तरीके से हमारे मंत्री माननीय मित्र रविशंकर प्रसाद जी ने इसके बिल के संबंध में अपनी बात रखी, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक आज इस बिल के समर्थन में न बोलूँगा, न इसमें साथ दूँगा। सभापति महोदय, इसके कुछ वजह, इसके कुछ बैकग्राउंड भी है। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और हर एक पार्टी को उस पर स्वतंत्रता है कि उस विचारधारा पर वो आगे बढ़े, उस विचारधारा को लागू करने के लिए वह प्रयास करे और उस विचारधारा को अमली जमा पहुंचाने के लिए बैकग्राउंड भी तैयार करे, उसका स्वरूप भी तैयार करे। हम जिस मान्यता को मानते, हम जिनको आदर्श मानते, उनकी जो विचारधारा के ऊपर आज भी हम चलने का प्रयास करते हैं, हम जयप्रकाश नारायण को, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, हम महात्मा गांधी को, डॉक्टर अंबेडकर को, महात्मा फूले को, आदर्शों पर चलने में विश्वास रखते हैं। हम इनके कार्यक्रम को, जिस पार्टी से मैं आता हूँ, इनके कार्यक्रम को प्रतिवर्ष मनाने का भी काम करता है। मनाया जाता है इनकी जयंतियाँ, चाहे इनकी पुण्यतिथि, उसको मनाने का काम करता है। चूँकि मैं मानता हूँ कि वो युग पुरुष थे, महात्मा गांधी के विषय में मेरी धारणा थी, डॉक्टर लोहिया के विषय में मेरी धारणा, जयप्रकाश नारायण के विषय में मेरी धारणा और इस देश के अनेक मनीषियों, राजनीतिक मनीषियों के विषय में मेरी धारणा है कि जितने बड़े वो राजनेता थे, उससे बड़े वो समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक के कई प्रमाण भी, और स्वयं मैं इसलिए कहता हूँ, गांधी को ले लीजिए, जयप्रकाश को ले लीजिए, लोहिया के लिए जो चौखंबा राज की बात चल रही है, क्या कई चरणों में सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही है। आज जयप्रकाश गांधी जी का ग्राम स्वराज, आज पंचायतों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो रही है। गांधी को तो गए हुए बहुत लंबा काल हो गया, जयप्रकाश नारायण को गए हुए लंबा काल हो गया, लोहिया जी को गए हुए लंबा काल हो गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, विचार की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, उसकी धाराएं कुछ बदलती और बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन विचार की यात्रा चलती रहती है। और इसका स्पष्ट प्रमाण है भाई, महात्मा गांधी के कुछ एग्जाम्पल को मैं कोट करूंगा। लॉर्ड इरविन को उन्होंने पत्र लिखा था शराबबंदी पर, क्योंकि वो मानते थे कि शराबबंदी एक बड़ी बुराई है, और उन्होंने लिखा बाद में कि मैं देश का शासक हो जाऊंगा तो सबसे पहले, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि इस पर अंकुश लगाने का काम करूँ। और नारी आंदोलन लोहिया का था, और आप स्वयं नारी आंदोलन लोहिया का, और मैं इसलिए कहता प्लीज, एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, After that, the Congress party spoke. Fine. The next speaker is BJP. If BJP chooses not to speak, we are the third largest party, the Trinamool Congress. How come is the JDU speaking now? I have no problem if BJP has given them the time. But the next speaker needs to be Trinamool Congress. That's all. Thank you, sir. आप हाउस में मौजूद नहीं थे, हाउस की परमिशन ली मैंने, चूंकि वो अस्वस्थ है, जाना चाहते इसलिए। आने वशिष्ठ जी, बोले, बोले। मैं अपनी बात इसलिए कह रहा कि विचार की यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती। उन लोगों ने जो सपना देखा था समाज को, का भविष्य जिस रूप में देखा था, आज भी समाज
उसको पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों में प्रयास कर रहा है। इसलिए हम मानते हैं बिहार में ही देख लीजिए महिला सशक्तिकरण के मामले में, ये तीन तलाक जैसे ये सवाल है, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह भी एक गंभीर समस्या, तिलक दहेज भी एक गंभीर समस्या, ऐसी सामाजिक रूढ़ियाँ लंबे काल से चल रही हैं जो आज जड़ जमा चुकी हैं। और जब कोई चीज़ें प्रचलित जो व्यवस्था रहती है जब जड़ जमा चुकी रहती हैं तो उसको दूर करने के में समय लगता है। लेकिन मैं इसके लिए मानता हूँ इसके लिए बड़े अभियान की ज़रूरत है, और आज पंचायतों में महिलाओं को बड़े पैमाने पर आरक्षण दिया गया है, उसका असर तो दिखाई पड़ रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये विधेयक जो है ये सवाल है, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जागरूकता करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र और महोदय माननीय वशिष्ठ जी इस सदन की बड़ी खासियत है, हम तो आते हैं विरोध करते हैं, हम समर्थन में बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी तो मैं ये देखता हूँ असहमति पर भी सहमत होकर के इस हाउस से निकलते हैं कि मैं आज असहमत हूँ, कल इस पर बहस होगी, फिर सहमत का प्रयास करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद कि आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद लोग बहिष्कार कर